हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज उर्वशी जोशी एंड दिस इज माय चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज मैं आपको फुल मून से रिलेटेड कुछ एक चीज सिखाऊंगी जो आप वैसे फुल मून पे भी कर सकते हैं, न्यू मून पे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, बट वो करना बहुत बहुत जरूरी है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ। मुझे कुछ लोग मेल्स करते हैं और कुछ लोग मुझे कॉल भी करके बताते हैं और वो ट्विन जर्नी को शायद समझ नहीं पाए हैं अभी तक कि ट्विन जर्नी है क्या चीज। इतने वीडियोस मैंने बनाए हैं और भी दुनिया भर के लोगों ने बनाए हैं, लेकिन शायद उनको अभी भी कुछ कंफ्यूजन है। तो कई बार मेरे पास कई लोग ऐसे आ रहे हैं जो 8-8, 10-10 साल पुराने अपने जो उनके कनेक्शन थे उन लोगों को वो अपना ट्विन समझ रहे हैं, या फिर बचपन में अभी 40-42 साल के हो गए और बचपन में जो उन्होंने 6-7 स्टैंडर्ड के टाइम पे जो जिन लोगों को एक्सपीरियंस किया कनेक्शन में उन लोगों को वो अपने ट्विन समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है। असली बात यह है कि इस वक्त आप लोग जो भी रिपीटेड नंबर्स देख रहे हैं वो सारे लोग हायर फ्रीक्वेंसी में हैं, वो सारे लोग फोर्थ डिमेंशन में हैं। आपकी किसी भी चीज को नोटिस करने की पावर्स, इंट्यूशंस की पावर और साइकिक एबिलिटीज बढ़ गई हैं, इसीलिए आप फोर्थ डिमेंशन में हैं, इसीलिए क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई है। आप सब चीज नोटिस कर पा रहे हैं, आपको चीजें डाउनलोड हो रही है, आपको चीजें समझ आ रही है और आप कई बार इतनी सारी चीजें आपके अंदर चल रही हैं, डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से भेजी जा रही है, तो आपका बॉडी भी अनकंफर्टेबल हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, स्पिरिचुअली आपको इतना इन्वॉल्वमेंट फील हो रहा है कि मैं यार इतना इन्वॉल्व कैसे हो गया। ये सब चीजें चल रही हैं, बॉडी भी इतनी एनर्जी को झेल नहीं पा रहा जिसकी वजह से बार बार डिप्रेशन, एंजाइटी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम ये सब हो रहा है। ठीक है, सो असली बात ये है कि आप सब लोग जो स्पिरिचुअल चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हैं या स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं सारे के सारे फोर्थ डिमेंशन में हैं। ठीक है, एंड आप हायर फ्रीक्वेंसी में हैं इसीलिए आप ये सारी चीजें नोटिस कर पा रहे हैं। ओके, सो साइकिक एबिलिटीज बढ़ गई हैं, इंट्यूशन तेज हो गई हैं, हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से नोटिस कर पा रहे हैं। एट द सेम टाइम आप बहुत एंजाइटी में और डिप्रेशन में भी हैं। कुछ लोग अपनी अच्छी एनर्जीज के साथ जल्दी जल्दी इस चीज से ओवरकम हो रहे हैं और कुछ लोग टाइम ले रहे हैं। सो अब मैं उन लोगों के बारे में बात करती हूँ जो टाइम ले रहे हैं। देखो, जब आपने इन चीजों में एंट्री ले ली है, आपको बहुत सारे नंबर रिपीटेड नजर आ रहे हैं, रास्ते में चलते हुए आप हर चीज को नोटिस कर रहे हो, आप समझ पा रहे हो कि यूनिवर्स कौन सा मैसेज आपको भेज रहा है। ठीक है, सोते जागते आप हर चीज को नोटिस कर रहे हो, इतना आपका माइंड शार्प हो चुका है। ठीक है, तो सीधी बात है कि अब आप इस जर्नी में आपसे गलती कहां पे हो रही है कि ये नई एनर्जी आपको पास हो रही है डिवाइन की तरफ से, आपकी बॉडी, माइंड, सोल सब जगह, और पुराना क्लटर जो पुराना भरा पड़ा है आपकी पिछली प्रीवियस लाइफ का, वो भी अंदर ही बैठा हुआ है। तो क्या हो गया है कि वो डिवाइन का इतना अच्छा डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन और वो सब चीजें और आपका कंफ्यूजन और प्लस पुराना क्लटर, वो सब मिक्स करके आपको डिप्रेशन और एंजाइटी दे रहा है। तो आप जल्दी से इनको रिलीज करो। ठीक है, फुल मून एंड न्यू मून इज द बेस्ट टाइम टू रिलीज एवरीथिंग। ओके, अब सुनो, जब तक आप इस पुराने क्लटर को, जो पुरानी आपने चीजें एक्सपीरियंस करी हैं, पुराने कनेक्शन, पुराने रिलेशनशिप, चाहे आप उसको ट्विन, पहले तो वो ट्विन है ही नहीं जो आपने 20-20 साल या 10-10-15-15 साल पहले एक्सपीरियंस करे, जिन जो उनका अभी कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिन चीजों का वो नहीं है ट्विन, वो एक अलग कहानी है, वो मैं आपको कभी अलग समझाऊंगी कि वो लोग क्यों आपकी लाइफ में आए, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एक वीडियो में। बट असली बात यह है कि जो आपने लाइफ में अभी तक अपने प्रीवियस लाइफ में जो भी चीजें ऊपर नीचे एक्सपीरियंस करी, बुरी बुरी चीजें एक्सपीरियंस करी, वो चीजें अब आपको अटैक कर रही है क्योंकि वो नहीं चाहती हैं कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो और आप आगे बढ़ो। ओके, ठीक है, तो वो आपने क्या करना है, आपने ना सबकॉन्शियस हीलिंग करनी है राइटिंग थेरेपी के थ्रू आपने वो सबको क्लीन करना है। ये मैंने खुद 2013 में करके अपना सारा क्लीन कर दिया था, उसके बाद ही मैं बहुत खुश रहने लग गई थी और पता नहीं कैसे हो गया था उस टाइम पे। उसके बाद मैंने देखा कि बहुत सारे लोग वर्ल्ड में वही चीज करते हैं और आप लोग मुझे जो फोन करते हैं या मेल में बात करते हैं उन लोगों को भी मैं बताती हूँ सबकॉन्शियस हीलिंग बाय राइटिंग, ठीक है ना, थेरेपी। आप लोगों ने क्या करना है, जो आप मुझे कहानियां कई बार सुनाते हो फोन पे, पुरानी पुरानी 20-20 साल पुरानी, 10-10 साल पुरानी, जिन्होंने आपके मन में अभी तक भी घेरा कर रखा है, आई कांट बिलीव दिस, है ना। आप लोग इतने डायनामिक हो, इतने समझदार हो, गॉड ने आपको चुना है, फोर्थ डिमेंशन में आ गए हो, कैसे पुरानी चीजें लेके चल सकते हो आप। जस्ट राइट एवरीथिंग, सब कुछ आप लिख दो। ठीक है, लिख दो, लिखते जाओ, बोलो उसको कि आई एम रिलीजिंग यू फ्रॉम माई माइंड, फ्रॉम माई सोल, फ्रॉम माई हार्ट, आई एम रिलीजिंग यू बिकॉज तुम्हारी वजह से, तुम्हारी इन यादों की वजह से, इन बातों की वजह से मेरा प्रेजेंट इफेक्टेड हो रहा है, मैं तुमको रिलीज कर रहा हूँ अपने माइंड से, अपनी सोल, हार्ट, हर जगह से।
उसको लिखो आप पूरा विद इमोशंस, निकलने दो आंसू, निकलने दो सब कुछ, ठीक है, लिखो 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 लिखो, और उसको आप या तो लिख के आप कहीं छुपा दो या उसको जला दो, इनमें से कुछ भी कर लो आप, ठीक है। लिखने के बाद, जलाने के बाद आपको सचमुच में बड़ा हल्का फील होगा, उसके बाद आपको थोड़ा ऐसा लगेगा जैसे बॉडी से कोई एनर्जी थक लग रही है, जैसे ऐसा फील होगा आपको सचमुच में, अगर आप विद इमोशंस उसको लिखोगे ना, सचमुच में वो जो एनर्जी है, हैवी एनर्जी है, वो आपको थका देगी, और उसके बाद आप जब सोने जाओगे, सो के जब उठोगे तो आपको सचमुच में बड़ा हल्का फील होगा, हल्का फील होगा। बट क्योंकि जिसका जितना हैवी रहेगा उसका उतना वो पीछा नहीं छोड़ेगा, आप जैसे कहीं यूट्यूब पे या कुछ 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 कर रहे होगे, तो वो जो जो पास्ट है, ये जो चीजें हैं, फिर से अटैक करने की कोशिश करेंगी कि हमको याद करो, हमको याद करो, क्योंकि लेकिन आपको अगर वो चीजें दोबारा से अटैक कर रही हैं, कुछ म्यूजिक या गाने के थ्रू आपको दोबारा से ऐसा कुछ रियलाइज करा रही है, वो पुरानी बात फिर से याद दिलाने की कोशिश कर रही है, या किसी मैसेज या किसी भी फोटो को देख के आपको फिर से वो अटैक पड़ रहा है, अगेन राइट राइट राइट, आई एम रिलीजिंग यू, आई एम रिलीजिंग यू, ओके, लिखते जाओ, उसको रिलीज करो, तब तक जब तक कि वो बाहर का रास्ता नहीं पकड़ लेता, जब तक कि वो आपके माइंड से क्लीन नहीं हो जाता, ठीक है। मैंने ऐसा करके अपने पूरा लाइफ का, जो मेरे थ्री चैप्टर्स पहले थे, उनको मैंने क्लीन किया था 2013 में। उसके बाद ही मैं बहुत एनर्जेटिक और खुश रहने लग गई थी, ठीक है, और मुझे पता नहीं था कि जिस चीज से मैंने खुद इस तरीके का हील किया खुद को, वो आगे चल के मैं और लोगों को, जितने लोगों ने मुझसे आज तक कॉन्टेक्ट किया उन लोगों को मैंने ये बात बताई है। तो आप लोग भी इसको ट्राई करो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। और अगर वो दोबारा से अटैक करने की कोशिश करें, तो दोबारा उसको रिलीज कर दो, राइट एंड बर्न, ओके। और फुल मून और न्यू मून पे बहुत अच्छा इफेक्ट करता है, और आपको जो स्पिरिचुअल नॉलेज, जो साइकिक एबिलिटीज या इंट्यूशन जो आपकी बॉडी में एनर्जी में जो मतलब पहुंचाई जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, उसके लिए स्पेस चाहिए आपकी बॉडी और सब मतलब आपके सिस्टम में वो स्पेस चाहिए, और वो सिस्टम तभी, वो स्पेस तभी बनेगा जब आप पुराने क्लटर को, जो पुरानी चीजें हैं, कचरा है, उसको निकाल के बाहर फेंकोगे। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो काम आप आए, आई होप आप सब लोग ये ट्राई करो, आई होप आप सब लोग बहुत खुश रहो, आई होप कि आप लोग खुश रहोगे, ठीक है। सो बाय, टेक केयर, जो जो अप्लाई करेगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में करके लिख के बताए, ठीक है, और कैसा लगा उनको वो भी मुझे बताना इसको करने के बाद। सो आई होप आप लोगों की मदद हो पाए, बाय, टेक केयर।